हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वीर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंटॉप डी कैप्सूल्स के बारे में, जो कि बनाई जाती है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। बनाई जाती है डोमप्रिडोन 10 mg और पेंटाप्रोजोल 20 mg इसके अंदर रहता है। 106 रुपये का ये पूरा स्ट्रिप रहता है और 10 कैप्सूल का ये पूरा स्ट्रिप रहता है। ये कैप्सूल जो कि ट्रीटमेंट करती है गैस्ट्रो इसोफेगस डिसीज़ में यूज़ की जाती है और गैस्ट्रिक के अंदर इसको यूज़ की जाती है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा यूज़ करें तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, तो जब भी इसको यूज़ करें तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो यह वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। पेंटॉप डी कैप्सूल जो कि बनाई जाती है अरिस्टो फार्मास्यूटिका प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। डोमप्रिडोन 10 mg एंड पेंटाप्रोजोल 20 mg रहता है। 106 रुपये का ये 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है। ये कैप्सूल जो कि गैस्ट्रो इसोफेगस डिसीज़ में यूज होता है और गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं करो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि डायरिया, पेट में दर्द, डाइजीनेस होना, हेडेक होना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले और डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना ले और इसको भूखे पेट ले ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये टैबलेट का कैप्सूल काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर डोमप्रिडोन और पेंटाप्रोजोल रहता है। डोमप्रिडोन एक प्रोकाइनेटिक्स है जो कि अपर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मूवमेंट को बढ़ा देता है और अलाउ करता है फूड को इजिली, और पेंटाप्रोजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो कि रिलीफ देता है एसिड्स को स्टोमक के अंदर से, जिससे क्या होता है हृदय दर्द वगैरह नहीं होता। तो ऐसे काम करती है कैप्सूल। तो इस कैप्सूल के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।